तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पांच बड़ी घातक एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपके मोबाइल के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेरे इस प्लेनेट पर पहली दफा उतरे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसको दबाओ। साथ में बेल आएगी, उसको लाजमी दबाना। इसका बेनिफिट ये होगा जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो में लाइक टारगेट आपके सामने आ रहा है, वीडियो का लाइक टारगेट आपने पूरा करना है, क्योंकि जब भी आप एक एक लाइक करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन होती है और मैं न्यू वीडियो अपलोड करने का जल्दी जल्दी मेरा दिल करता है। और इस वीडियो में जितनी भी मैं एप्लीकेशन यूज करूंगा उन सारी एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, और वहां से इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में दो बोनस एप्लीकेशन भी लाया हूं, जो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे उनके लिए दो बोनस एप्लीकेशन, काफी कमाल की एप्लीकेशन है लास्ट वाली, वो लाजमी देख के जाना। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर की एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नेम है मीटोर। ओ भाई के काहे को इतना मुश्किल नाम ले रहा है, मीटर ही सीधा कह दे, तो सॉरी यार चलो मीटर ही कह देता है। तो लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर की एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम है मीटर। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी इंटरनेट की स्पीड को चेक कर सकते हैं, डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड, सब कुछ इंटरनेट के बारे में आप इस एप्लीकेशन की मदद से चेक कर सकते हैं। वो किस तरह करना है, जस्ट इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, उसके बाद जस्ट सिंपली ओपन कर दें। एप्लीकेशन को ओपन जैसे ही करेंगे उसके बाद आप स्टार्ट टेस्टिंग के बटन पर क्लिक कर दें। स्टार्ट टेस्टिंग के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़े से वेट करने के बाद आपके सामने कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, आपकी डाउनलोडिंग स्पीड, आपकी अपलोडिंग स्पीड। जैसे कि मेरे सामने डाउनलोडिंग स्पीड आ गई है 18 MB/s और अभी अपलोडिंग स्पीड भी आ जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पास अपलोडिंग स्पीड भी आ गई है। इस तरह आप इस एप्लीकेशन की मदद से डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड, इंटरनेट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन इधर से ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन को लाजमी ट्राई करिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। इस एप्लीकेशन का नेम है नोटिफिकेशन। दोस्तों इस एप्लीकेशन का बेनिफिट पे बात कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन की मदद से आप फेक नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। फेक नोटिफिकेशन क्रिएट करना किस तरह, मतलब यार क्यों हम करें क्यों, क्योंकि दोस्तों कई दफा ऐसा होता है आपके फ्रेंड्स कुछ होते हैं वो अगर आप जाते हैं तो वो आपका मतलब छोड़ते ही नहीं यार। तो क्या करें, आप फेक नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने किसी भी फादर का, किसी इंसान का भी जिससे आप ज्यादा डरते हैं, उसका नोटिफिकेशन क्रिएट करें और अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं कि यार ये देखो अब मुझे मैसेज आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। किस तरह करना, जस्ट सिंपली ऐप नेम पे आपने ऐप नेम सेलेक्ट कर लेनी है कि किस एप्लीकेशन की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आए। इधर से मैंने व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लिया। व्हाट्सएप सेलेक्ट करने के बाद आपने इधर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इधर से वो इंसान सेलेक्ट कर लेना है जिस तरफ से आप मैसेज रिसीव करना चाहते हैं। उसके बाद जो मैसेज आप रिसीव करना चाहते हैं वो मैसेज इधर लिख लेना है। मैसेज लिखने के बाद आपने क्या करना है, स्केड्यूल के बटन पे क्लिक कर देना है। स्केड्यूल के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने इधर सेट कर लेना है कि मतलब किस टाइम वो मैसेज आपको रिसीव हो। तो मेरा टाइम 9:52 हो रहे हैं तो मैं कहता हूं 9:53 पे मुझे ये रिसीव हो। 9:53 पर रिसीव करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक कर दे। ओके के बटन पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहे तो और मैसेज भी इधर लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, अब बैक आ जाएं। जैसे ही 9:53 होंगे तो ये मैसेज मुझे रिसीव व्हाट्सएप की तरफ से हो जाएगा और ऐसे लगेगा रियल में ही व्हाट्सएप ने ही ये मैसेज मुझे भेजा है। अपने दोस्तों से आप यूं छुटकारा हासिल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को यूज करके। तो दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। इस एप्लीकेशन का नेम है जेस्चर मैजिक। दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन की मदद से जस्ट आप अपनी स्क्रीन पे जस्ट जेस्चर ड्रा करेंगे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। जस्ट उसका पहला वर्ड ड्रा करेंगे वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। वो किस तरह करना है, जस्ट सिंपली आपने क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद इधर से आपने कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूं व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सेलेक्ट करने के बाद आपने इधर एक जेस्चर ड्रा कर देना है, उसके बाद फिर ड्रा करना है और उसके बाद डन के बटन पर क्लिक कर देना है। डन के बटन पर क्लिक करने के बाद अब जब भी मैं W ड्रा करूंगा तो मेरी WhatsApp ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। वो किस तरह, जो सिंपली ये आपको एक आइकन नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। आइकन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने W लिखा तो देख सकते हैं मेरी WhatsApp ऑटोमेटिक ओपन होगी। इस तरह आप कोई भी एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं और जस्ट जेस्चर ड्रा करके उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को भी लाजमी ट्राई करिएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। इस एप्लीकेशन का नेम है स्टिक्सी। दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप काफी कमाल के GIF क्रिएट कर सकते हैं और अपनी व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरह के आप काफी कमाल के GIF क्रिएट कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स के
पिक्चर्स को फनी बना सकते हैं और उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। वो किस तरह करना है, जो सिंपली आपने इधर से सबसे पहले सेलेक्ट कर लेनी है कोई भी पिक्चर, जिस पिक्चर का आप मतलब GIF बनाना चाहते हैं। तो ये आपने किस तरह करना है, आपने इधर से सबसे पहले क्या करना है, इधर से अपनी गैलरी में कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। गैलरी से आपने कोई भी पिक्चर इधर से सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जैसे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगी एप्लीकेशन। तो इधर से आप काफी कबाल के व्हाट्सएप GIF क्रिएट कर सकते हैं और इधर से दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए ये बटन आपके पास आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थ्री डॉट्स पे जाना है। थ्री डॉट्स पे जाने के बाद आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भी इस GIF को शेयर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को भी लाजमी ट्राई करिएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। इस एप्लीकेशन का नेम है एक्सपेडिशंस। दोस्तों इस एप्लीकेशन बेसिकली तौर पे ये गूगल की एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से अगर आपके पास पैसे नहीं है, मेरी तरह अगर आपके पास भी पैसे नहीं है और आप दुनिया को पूरी तरह विजिट करना चाहते हैं, तो वर्चुअली इस एप्लीकेशन की मदद से आप पूरी दुनिया को वर्चुअली तौर पर विजिट कर सकते हैं। जस्ट सिंपली क्या करना है, आपने साइन इन के बटन पर क्लिक करना है। साइन इन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने इधर अपनी लगानी है मेल। जीमेल से आपको रजिस्टर करने के बाद इस एप्लीकेशन पे काफी कमाल के टूर मिल जाते हैं। पूरी दुनिया को वर्चुअली अपने मोबाइल पे 3D देख सकते हैं और आपको काफी मजा आने वाला है। इस एप्लीकेशन को लाजमी ट्राई करिएगा। चलते हैं अपने बोनस एप्लीकेशन की तरफ। तो बोनस एप्लीकेशन में पहले नंबर की एप्लीकेशन है, इसका नेम है जेलीफाई। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप एक जेली की तरह अपनी पिक्चर में क्रिएट कर सकते हैं, एक जेली की तरह। किस तरह वो करना है मैं दिखा देता हूं आपको। कुछ इस तरह से आपको थोड़ी जेली सी नजर आएगी, कुछ इस तरह से आपको अपनी पिक्चर में एक जेली सी क्रिएट होती नजर आएगी। आप चाहे तो वीडियो बना सकते हैं इसकी, चाहे तो GIF बना सकते हैं। तो ये जेली किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट आपने प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपने इधर से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जिसका आप जेली बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इस पिक्चर में एक जेली इफेक्ट क्रिएट हो गया और काफी जो के कमाल का लग रहा है। अब आप इधर से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसकी वीडियो बनाना चाहते हैं ये GIF। मैं इधर से बना लेता हूं वीडियो। वीडियो के बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें, उसके बाद आपने डन कर देना है। डन जैसे ही करेंगे तो ये वीडियो आपकी गैलरी में एक्सपोर्ट हो जाएगी और आप इसको किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। इस एप्लीकेशन का नेम है मोविज। दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप ऑडियो सॉन्ग पे काफी कमाल के इफेक्ट लगा सकते हैं और अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी आप काफी कमाल की वीडियो के नीचे इफेक्ट लगा सकते हैं। तो वीडियो में आपको एक इफेक्ट नजर आ रहा होगा, इस तरह का आप इफेक्ट अपने मतलब वीडियो में ऑडियो में लगा सकते हैं। वो किस तरह, जब भी आप कोई भी सॉन्ग चलाएं प्ले करेंगे या कोई वीडियो प्ले करेंगे तो ये इफेक्ट ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये किस तरह आपने सेट करना है, जस्ट आपने इस एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद काफी इफेक्ट आपको इधर देखने को मिल जाते हैं। तो कोई सा भी इधर से आपने सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये इफेक्ट मैं इधर से सेलेक्ट कर लेता हूं। इफेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने इधर कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करना है। कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करने के बाद आप इसकी लेयर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने जो जो चेंज करना है वो इधर से चेंज कर दे, उसके बाद टिक के बटन पे क्लिक कर दे। जैसे ही टिक के बटन पे क्लिक करेंगे ये ऑन होगी एप्लीकेशन। अब जब भी आप कोई भी सॉन्ग वगैरह प्ले करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं इधर से, जैसे कि मैंने ये सॉन्ग प्ले किया तो ये देख सकते हैं मेरा इफेक्ट लग गया। इस तरह के आप काफी कमाल के इफेक्ट लगा सकते हैं और मजा ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को लाजमी दबाना। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी एप्लीकेशन सबसे रही अच्छी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।